मोलेकुलर मार्कर्स इन दिस मॉड्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेकुलर मार्करस एंड देयर यूजेस फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोलेकुलर मार्कर्स वी कैन डिवाइड द मोलेकुलर मार्कर्स इंटू टू कैटेगरीज टाइप वन मोलेकुलर मार्कर्स एंड टाइप टू मोलेकुलर मार्कर्स सबसे पहले हम टाइप वन मोलेकुलर मार्कर्स की बात करते हैं टाइप 1 molecular markers आर एसोसिएटेड विद द genes ऑफ नोन फंक्शन यानी ये ऐसे markers हैं जो के ऐसे जीन से एसोसिएटेड हैं जिसका फंक्शन हमें मालूम होता है फॉर example, अगर हम एलो एनजाइम्स की बात करें एलो एनजाइम टाइप वन मार्कर के अंदर आते हैं क्योंकि ये मार्कर जो है इनके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं इनको जो जीन्स इनकोड कर रहे होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो नॉन फंक्शन होता है जबकि अगर हम टाइप टू मार्कर्स की बात करें तो टाइप टू मार्कर्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं जो जीन्स इनको इनकोड कर रहे होते हैं उनका फंक्शन नॉन नहीं होता इसकी एग्जाम्पल माइक्रोसेटेलाइट और बहुत सारे जो न्यूट्रल मार्कर्स हैं दे फॉल इनटू टाइप टू मार्कर्स। तो हमने देखा कि मार्कर्स को जनरली हम दो कैटेगरी और टाइप टू मार्कर टाइप वन मार्कर के अंदर जो जीन्स हैं या ऐसी प्रोटीन्स जो कि एज ए मार्कर के तौर पर यूज होती हैं इनको जो जीन्स कोड कर रहे होते हैं उनका फंक्शन नोन होता है जैसे हमने एलो एंजाइम्स की बात की इसी तरीके से टाइप टू के अंदर जो प्रोटीन्स हैं इनको जो जीन्स कोड कर रहे होते हैं या इन मार्कर्स को जो जी कोड कर रहे होते हैं उनका फंक्शन अननोन होता है जैसे माइक्रो सैटेलाइट और न्यूट्रल मार्कर्स इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि एलो एंजाइम और आइसो एनजाइम्स क्या हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं पहले हम एलो एंजाइम्स की बात करते हैं एलो एंजाइम इज वेरिएंट फॉर्म ऑफ एंजाइम यानी ये एक एंजाइम की वेरिएंट फॉर्म है अब जो एलो एंजाइम्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होते हैं लेकिन ये फंक्शनली डिफरेंट नहीं होते स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन एक और एलो एंजाइम जिसको एक और जीन जो कि सेम लोकस के ऊपर मौजूद है उससे इसका फंक्शन डिफरेंट नहीं होता ये जो मार्कर्स हैं ये डोमिनेंट मार्कर्स कहलाते हैं और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर इन का जो एक्सप्रेशन है वो मेंडेलियन फैशन के मुताबिक होता है ये कोडोमिनेंट मार्कर्स हैं और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर इनका एक्सप्रेशन मेंडेलियन फैशन के मुताबिक है अगर हम आइसो एंजाइम्स की बात करें तो आइसो एंजाइम ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन यहां पे एक जो एंजाइम है अगर वो एक जीन जो कि एक लोकस के ऊपर मौजूद है एक और जीन जो कि किसी दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद है उससे अगर एक एंजाइम पैदा हो रहा है तो उसका और पहले वाला जो एंजाइम है इसका फंक्शन सेम है यानी जो एलो एंजाइम था एलो एंजाइम के अंदर जो फंक्शन के अंदर सिमिलैरिटी है वहां पे दोनों जो जीन्स हैं उनका लोकस भी एक है लेकिन यहां पे फंक्शन सेम है लेकिन जीन्स का जो लोकस है वो डिफरेंट है अब हम बात करते हैं माइट्रोकॉन्डियल डीएनए मार्कर्स माइट्रोकॉन्डियल जो डीएनए है ये नॉन न्यूक्लियर डीएनए है यानी ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद है माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि पहले यह एक इंडिपेंडेंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था बाद में इसने सेल के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन कायम कर लिया और दोनों पीसफुल तरीके से रहना शुरू हो गए जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह सेल का पावर हाउस बन गया क्योंकि इसका मेन फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन है अब माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद है जिसको हम माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं ये मिटरनली इनहेरिटेड हैप्लाइड जीनोम है यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंटायर जीनोम है जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो एज ए सिंगल यूनिट होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जीनोम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर होती है और इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं है माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर रिकम्बिनेशन नहीं है और ये होमोलोगस मार्कर्स होते हैं अगर हम नेक्स्ट मार्कर की बात करें तो माइक्रोसेटेलाइट मार्कर्स ये क्या है दीज आर सिंपल डी एन ए सीक्वेंसेस दीज सीक्वेंसेस आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स यानी एक ऑर्गेनिज्म का जो डी एन ए है उसके अंदर ये सिंपल डीएनए के सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं अब ये जो सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होते हैं इनकी तादाद दो से छ तक हो सकती है मसलन जीसी 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 जी ये भी हो सकता है या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का यह सीक्वेंस भी हो सकता है ये तीन चार पांच सीक्वेंस भी हो सकते हैं अब ये कितनी दफा एक डीएनए के अंदर रिपीट हो सकते हैं ये वेरी करता है फॉर एग्जाम्पल ये फाइव टू फिफ्टी टाइम्स जो है रिपीट हो सकते हैं उसके अलावा एक ऑर्गेजम्स के अंदर थाउजेंड ऑफ लोकेशन के ऊपर माइक्रो सैटेलाइट मौजूद हो सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट जिस जगह पर मौजूद होते हैं ये बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन है ये नॉन कोडिंग डीएनए है और ये जीन्स का पार्ट नहीं होते इस वजह से ये फंक्शनल जीन का हिस्सा नहीं है तो माइक्रोसाइट लाइट के अंदर हमने देखा कि ये सिंपल डीएनए सीक्वेंस है ये सेवरल टाइम रिपीट होते हैं इसके अंदर जो सीक्वेंस के अंदर निक्लोटाइट की तादाद दो से छह तक हो सकती है पांच से पचास टाइम ये रिपीट हो सकते हैं और एक ऑर्गेजम्स के डीएनए के अंदर ये थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हैं और ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं